नमस्कार साथियों, मैं विवेक मिश्र स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। साथियों, आजकल जो है सावन लगा हुआ है पहाड़ों में, और सावन की जब बात आती हो तो चारों तरफ हरियाली जो है खिली रहती है, और उसी हरियाली के बीच आप सभी को आज दिखाने जा रहे हैं हम पहाड़ की जो है लाइफस्टाइल है, किस प्रकार लोग यहाँ के सर्वाइव करते हैं, किस प्रकार लोग यहाँ के अपनी मवेशियों पर जो है निर्भर रहते हैं, अपनी खेती पर निर्भर रहते हैं। तो चलिए आप भी मेरे इस वीडियो में आगे बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बात आ जाती है हमारी अखरोट की वृक्ष की, यानी अखरोट जो है हमारे दो तीन प्रकार के पाए जाते हैं। जंगली अखरोट होते हैं, वो एक घर के अखरोट होते हैं, और एक अखरोट जो है बहुत ही नाजुक होते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से जो है जिनका जो है अंदर का बीज निकाला जाता है। तो ये अखरोट अभी जो है जंगली में आता है, और इस अखरोट ना बहुत ही सख्त होता है, इसका जो बाहर की लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है, और खाने में अंदर काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। चीज़ जो है यहाँ पर बड़ी कॉमन है, जहाँ पर मैं रहता हूँ, जहाँ पर मेरा घर है उत्तरकाशी में, यहाँ पर जो है चीड़ के वृक्ष जो है बहुत ही आम बात है, क्योंकि चीड़ के वृक्ष अक्सर जो है जहाँ पर ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता है, ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है, सामान्य तापमान जहाँ पर बना रहता है वहाँ पर जो है चीड़ के वृक्ष अक्सर जो है पाए जाते हैं। अक्सर जब मैं अपनी पहाड़ों की बात करता हूँ, अपने क्षेत्र की बात करता हूँ, तो हमारे क्षेत्र में चीड़ के वृक्ष हमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में दिखाई देते हैं। देवदार जो है बहुत कम यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और उसके बाद आती है यहाँ पर बात जो है इन सुंदर सुंदर वादियों की। यहाँ पर काफ़ी सारे बुग्याल टाइप के भी देखने को मिलते हैं, सीढ़ीनुमा खेत यहाँ पर देखने को मिलते हैं, अलग अलग चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इस छान में जो है अक्सर जो चतुर्मास में, यानी जब बरसात का मौसम आता है, उस समय जो है मवेशी यहाँ पर रखी जाती है। इसलिए रखी जाती है क्योंकि घर में काफ़ी ज़्यादा गीला हो जाता है, और यहाँ पे ये कि थोड़ा आउटडोर हो जाता है, और आउटडोर में जो है आसानी से भैंस यहाँ पर रह पाती है, क्योंकि वो समय ऐसा होता है, उस समय गर्मी भी ज़्यादा नहीं होती है, ना ही सर्दी उतनी होती है, इसलिए जो है मवेशियों को यहाँ पर रखा जाता है, और पर्याप्त मात्रा में जो है उन्हें यहाँ पर जो है खाने को घास मिलती है, और नज़दीकी जो है पानी मिलती है, नहाने को मिलता है। पहाड़ों का रुख करते हैं तो आपको जगह जगह जो है पानी के तालाब देखने को मिलते हैं, पानी के स्रोत देखने को मिलते हैं। अक्सर ये पानी के स्रोत ऐसे होते हैं कि जो कि बारहों महीने रहते हैं, चाहे कितनी भी कड़ाके की सर्दी पड़े, कितनी कड़ाके की गर्मी पड़े, ये पानी जो है इतना का इतना ही रहता है। और जो हमारा पानी है ये हमेशा जो है यहाँ पे ऐसा रहता है, और हमेशा जो है पशु जो होते हैं, पशु चरवाहे जो होते हैं, अपने पशुओं को यहाँ पर पानी के लिए लाते हैं और पानी यहाँ से पिलाते हैं। तो साथियों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ पहाड़ी लोगों के बीच में, क्योंकि पहाड़ी लोग जो है अपने जो है आजीविका जो है अपने पशुओं पर या तो खेतों पर निर्भर रहते हैं। तो उन्हीं पहाड़ी लोगों से आज हम बात करेंगे। अक्सर जो है आप सभी ने देखा होगा कि अक्सर पहाड़ी लोग कितना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, उसी स्ट्रगल को आज आपके समक्ष रखने वाला हूं। तो चलिए आप भी मेरी इस वीडियो में आगे बने रहें। तो साथियों, मेरे साथ आज आज मेरे गांव के ताऊ जी। तो ताऊ जी, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। दिल सिंह महर। अच्छा, तो ताऊ जी, जो हमारी ये पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी लोग हैं, तो थोड़ा सा आप हमें ये बता दीजिए कि जो पहाड़ी लोग हैं हमारे, किस प्रकार जो यहाँ पर जो है अपने जीवन यापन करते हैं, किस किस चीज़ों पर निर्भर रहते हैं? अपनी खेती बाड़ी में रहते हैं, निर्भर पशु पे रहते हैं। अच्छा, मेन यहाँ पर खेती और पशु है। पशु है। अच्छा, अगर यहाँ पर खेती की बात आती है तो ज़्यादातर क्या होता है यहाँ पर, जैसे अनाजों में हो गया? हाँ, अनाज हो गए, मंडुआ हो गए, झंगोरा हो गए। अच्छा, गेहूँ हो गया। अच्छा, तो पशु लगभग सभी चीजें रखते हैं यहाँ पे? हाँ, भैंस, घोड़ा, खच्चर है, जैसे बैल है। अच्छा, लगभग जो है यहाँ बकरियाँ भी है, काफी सारी चीजें हैं, और अक्सर जो है ज्यादातर लोग अपनी खेती पर निर्भर रहते हैं। और जो अपनी खेती बाड़ी में भी होता होगा बहुत सारी? हाँ, वो भी होता है खेती बाड़ी में। सीमित होता है या बेचने लायक भी होता है? सीमित ही होता है वो। अच्छा, ज्यादा भी नहीं होता? ज्यादा भी नहीं होता है। तो साथियों, अभी हमने ताऊ जी से बात कर रहे हैं, और ताऊ जी हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर सीमित मात्रा में जो है ज़्यादा भी नहीं होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ज़्यादा भी हो जाता है। तो बहुत सारी ताऊ जी यहाँ पर टमाटर भी होते हैं। हाँ, टमाटर होता है जैसे। तो साथियों, ये है हमारे गांव की एक यहाँ पर चर्री, जिसको चाल कहते हैं हमारी आम भाषा में, और यहाँ पर गांव के लगभग एक मोहल्ला होता है, उस मोहल्ले के लोग जो है यहाँ पर अपनी भैंसों को जो है पानी पिलाने के लिए भी लाते हैं और नहलाने के लिए भी लाते हैं। अक्सर जो है यहाँ के लोग जो अपनी खेती और पशुओं पर निर्भर रहते हैं, तो ये यहाँ पर इनकी मवेशी है, जो मवेशी अभी जो है यहाँ पर आनंद ले रही है इस चर्री के पानी की। तो बहुत सारी मवेशी है, अभी यहाँ पर कम है, बहुत सारी मवेशी पीछे से भी आ रही है, तो यहाँ पर बारी लगी रहती है, अगर ये उठेंगे तो उसके बाद यहाँ पर और लोग आएंगे, और लोगों की भैंसें आएगी। तो उसी के साथ हम यहाँ पर बात भी करेंगे और लोगों से जिनकी ये मवेशी है, उनसे भी पूछेंगे। तो आप मेरी इस वीडियो में आगे ज़रूर बने रहें। तो साथियों, मेरे साथ हैं यहाँ पर दादी लोग और ताई लोग, बहुत सारे गाँव के लोग भी हैं यहाँ पर, इनसे भी आज बातचीत करेंगे। दादी, यहाँ भैंसा लिया था? हमेशा लिया था भैंसा? जबर जबर से जब काम होता तब ना। अच्छा,
जल काम आज भी की के काम होने का आज भी घास खाना मांस वाना आज भी हुई काम। अच्छा एक महीना। अच्छा अच्छा तो ज्यादातर मतलब दो महीने लगल तब तक ना जाके लवई होंदी। अच्छा। और हरियास। अच्छा बहुत सारे काम कर पर। अच्छा साथियों यहाँ पर जो है खेती बाड़ी पर जो है अक्सर जो है महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान होता है पहाड़ों में, क्योंकि महिलाएं हैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल काम करती है यहाँ पर, चाहे वो घास से लेकर हो, चाहे घर से लेकर हो, या चाहे अपने पशुओं से लेकर हो। तो अभी यहाँ पर इनको समय लगा तो ये इन्होंने अपनी पशुओं को जो है यहाँ पर पानी के पास लाया और अभी जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। यू का क्या करना तुम्हें यार? ये हम घास ले ओंडे ये जोड़ को लाना है। अच्छा तो क्या की रस्सी या कपड़ों की? अच्छा, साड़ी धोती। अच्छा तो एक रस्सी है की बोंदे क्या क्यों दी और रस्सियों के बोंदे। अच्छा तो एक साथियों एक भीमल होता है यहाँ पर, भीमल की भी काफी अच्छी रस्सी होती है, काफी मजबूत होती है। अभी कपड़े की रस्सी है ये भी काफी मजबूत होती है। अभी और ताई लोग भी हमारे साथ, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। साथियों मवेशियों के साथ साथ जो है जो महिलाएं यहाँ पर आती है अपने काम भी साथ लेकर आई है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर रस्सी का काम भी चल रहा है। ये रस्सी जो है घास लाने की, लकड़ी लाने के काम भी आती है और पशुओं को बांधने के काम भी आती है, उसी के साथ साथ ये काम भी यहाँ पर हो रही है। बिल्कुल ताई जी बता रही हैं कि जो फुर्सत मिलती है हमें यहीं पे मिलती है, क्योंकि पशु जो यहाँ पर चरी में रहते हैं और काम यहाँ पर करते हैं। यड़ा भैंसा ले आए तुम्हारा काम भी है, गैल हमारा ले आयु तो ये काम ही तो तुम घर पर कर सकता। घर ना होगा भी काम। अच्छा घर मन की ना मिलता। अच्छा ये उलवालदा रे दे। अच्छा ध्यानदार रे दे। अच्छा यखा टाइम पास वाण लगे। अच्छा हैं घर ना होने ना इकलौर से मन की। एक बात बताओ आप, मैं सबसे पहले आपको सुबह बैठे ना शाम तक एक सूक्ष्म शब्दों में बताओ की काम हो तुम्हारे सुबह उठी गए? ये बाबा चुप रह बाबा तत्र काम कर ले हम जा है तो कुछ बोलने बात ही नहीं। हां दबवाल पहले हम चाइनो की व्यवस्था कर दा। अच्छा तब कलम अपनी चाय पानी। अच्छा है तब नाश्ता बन लो। अच्छा तब सकलम घास पाता के तई तैयार हुई तई। अच्छा तब दूध पो घास ले आला तब फिर दिन औ खाण बन लो। अच्छा तब खाण पियण खाला तब भांडी कोने धोएल तब थोड़ा आराम काला। अच्छा तब फिर चली गा मार रथ के पानी आनंद। अच्छा तो ये साथियों ताई जी के कहने का मतलब है ये सुबह से लेकर शाम तक पूरे बिजी रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पहाड़ों में जो है महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान है और यही योगदान के साथ ही करते हैं। सुबह उठ के अपने पशुओं को बाहर निकालना, उनका गोबर साफ करना, उन्हें पानी देना, चारा देना, उसके बाद जो बच्चे होते हैं उनको स्कूल भेजना, उनके लिए नाश्ता बनाना और उसके बाद दिन का खाना बनाना, लकड़ियाँ लाना, कपड़े धुलना, बहुत सारे काम यहाँ पर होते हैं और बिल्कुल भी इन्हें फुर्सत नहीं मिल पाती है। और इस रिमझिम करती बारिश में मज़ा ही कुछ अलग होता है पहाड़ों का, जो इस तरीके से चारों तरफ जो है बादल रहते हैं, इन बादलों की खूबसूरती का अंदाज़ा नहीं लगा सकते आपकी ये आंखों से कैसे दिख पाते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर नए हो